मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन जो है संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि बताइए किसको? चलो बताओ। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण जैसे कि क, अ, ट, प, ये सारे क्या होते हैं? वर्ण कहते हैं, उसको अपन अक्षर भी बोलते हैं। संधि तीन प्रकार की, संधि के प्रकार तीन तरह की होती है। पहली है स्वस्थ, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। पहले अपन ध्यान देते हैं स्वस्थ संधि। स्वर संधि क्या होता है? सीधा सा है इसका स्वर। स्वर के अंदर कुल हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर औ तक। तो इसमें स्वर संधि के अंतर्गत जो है दो स्वरों के जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो विद्या प्लस आई, इससे क्या बनेगा नया शब्द विद्या। अब यहां पर आ और आ ये दोनों ही क्या है? स्वर। ये दोनों आपस में मिलकर जो है एक स्वर का वापस निर्माण करते हैं। दूसरी आपकी व्यंजन संधि, इसके अंदर सबसे पहली जानकारी यही है कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो है आपके पहले अलग है मतलब आधा। आधा और इसके बाद में कोई भी वर्ण, तो आधे के साथ में वर्ण जुड़ने से आपको कौन सी संधि मिलेगी? व्यंजन संधि। जैसे जगत प्लस इस जो बन जाएगा मतलब आधे के साथ में स्वर का जुड़ व्यंजन जो है व्यंजन के साथ में स्वर जुड़ेगा तब जो है व्यंजन संधि का है। जगदीश जगत प्लस इस क्या बन गया? जगदीश। इसी तरह थर्ड आपके विसर्ग संधि, इसकी सीधी सी पहचान नहीं है कि पहले जो है विसर्ग है। अब विसर्ग के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा इसका बनता है, तो यहां पर ये विसर्ग का प्रयोग है। तो विसर्ग का प्रयोग होने से ये कौन सी स्थिति बनती है आपकी? विसर्ग। अब आगे बढ़ते हैं स्वर संधि की स्थिति। स्वर संधि
विश्वसनीय, सेकेंड है गुण सरसनीय, थर्ड पे है आगे रति स्वासनीय और फोर्थ पे है या सरसनीय
David plus Indra. David plus Indra. इसमें ये छोटी मात्रा है और ये छोटी और छोटी ये मिलकर क्या बन जाएगी इसमें बड़ी इंद्र है. ठीक है. अब इसी तरह से अपन एक मुंह का भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के लघु प्लस उत्तर जो बन जाएगा आपके लघु. ठीक है. तो इस तरह से समान बनाएंगे और दोनों समान शब्द है उनका ध्रुवीकरण होता है बड़ी मात्रा में बदल जाए. इसके बाद आता है आपके गुण स्वर संबंध. अच्छा एक बात और मैं आपको इसमें बता देता हूं कि अगर दो समान भी आती है तो वो बड़ी दी में चली जाए. दी की मात्रा तो होती ना इसी की तो इसमें चली जाए. ठीक है. जैसे कि मात्र प्लस ग्रेड तो चली होती है अब आगे ये देखिए गुण स्वर संधि. गुण स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है सीधी सी बात आपको केवल सीधी एक सीधी सी पहचान लेने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसके अंतर्गत देखो आ ई और उ की मात्रा आती है इसमें ए और ओ की मात्रा मतलब सिंगल मात्रा केवल एक एक मात्रा वाले जो शब्द आएंगे वो इसके अंतर्गत जैसे आप इसको याद रखने के लिए ये कह सकते हैं एक मात्रा वाले शब्द. अब एक मात्रा वाले शब्द किस प्रकार से आएंगे इसके अंतर्गत जैसे रमा प्लस मिश जो बन जाएगा रमेश हो जाएगा महेश. ठीक है. अब इसी तरह से अपन ओ की मात्रा का एक एग्जांपल और देख लेते हैं पर प्लस का जो हो जाएगा आपके परोक्त का यानी कि अ और उ मिलकर क्या बना आपके ओ की मात्रा. अब इसमें जैसे कि ए और ओ ये बनता कैसे तो इसके लिए ध्यान देना आपके ए के लिए क्या होता है कि अ या आ के साथ ई या ई अगर मिलते हैं तो वो ए की मात्रा बन जाती है और दूसरी तरफ आपके ये ओ के लिए आपके अ या आ के साथ छोटा हो या बड़ा ये जब आएंगे तब आपके गुण की मात्रा बन जाएगी. अब आगे बढ़ते हैं. तीसरा है प्रति स्वर संधि. प्रतिस्वर संधि के अंतर्गत सीधी सी बात है तो यहाँ पर केवल मैं आपको पहचान के संबंध में सारी जानकारी दे रहा हूँ. जैसे कि इसके अंतर्गत आपने क्या हुआ था दीर्घ स्वर संधि के अंदर समान स्वर का योग होता है और मात्राएं कौन कौन सी आ रही है आपके आ ई और ओ की. नेक्स्ट इसके बाद आ रही है आपके गुण स्वर संधि जिसके अंतर्गत आपके ए और ओ की मात्रा मतलब एक मात्रा वाले शब्द आए. अब आपके आगे प्रतिस्वर संधि यानी कि जो गुण स्वर संधि है इसमें अपन को एक एक मात्रा
अब जैसे कि ये दो मात्राओं वाले शब्द आ रहे हैं इसमें, तो आई और वो ये शब्द कैसे बने? तो इनके बनने के लिए अ या आ के साथ ए अगर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो आई। और इसी तरह से चौथा है इसका पार्ट, वो है यंग स्वर शब्द। अब यंग स्वर शब्द के अंतर्गत क्या होता है? अपने उसमें पढ़ा था दीर्घ स्वर शब्द है कि अ आ अ से लेकर उ तक की मात्रा, यानी कि बड़ी मात्रा बन रही है आ बड़ी ही और बड़ा। फिर आ रहा है घोष स्वर श्रुति जिसमें ए और ओ की मात्रा चल रही है, और वृद्धि स्वर श्रुति में आप उनकी वृद्धि कर देते हैं आई और औ के इसको चेंज। अगर आपके जड़ स्वर श्रुति इसकी सीधी सी पहचान नहीं है कि जड़ से पहले संधि करने पर यह से पहले ई की और व से पहले ऊ। ये बात कुछ कैसे आपके दिमाग में नोटिस कर लीजिए कि अगर हम संधि करते हैं तब यह से पहले ई की मात्रा है, और अगर वह आ रहा है तो बस पहले और यह संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा आपके इसमें यह से पहले आधा रहेगा और
एक क्या हो जाएगा प्रत्येक, अब ध्यान रखना और एक ही है। तो यहां पर क्या था, बैठ नहीं सकते संधि करने पर,
आई, ठीक है। और वर्ष से पहले आप क्या आएंगे, ओ अब, तो यह से पहले आपके क्या आएगा, ए या आई, और व से पहले आएगा आपके ओ या अब। अब ए का क्या बनेगा, ए का आई बन जाएगा, और आई का आई बन, इसी तरह बस से पहले वो आएगा और दूसरा है अब आएगा। अब ध्यान शांति नहीं टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद अपन इस व्यंजन संधि जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मित्र अच्छे से इसको समझ लेना, तो ए का आई बन जाएगा और आई का आई बन जाएगा। इसके बाद बस से पहले ओ और, तो ओ का अब यानी कि ओ जो है वो किसमें बदल जाएगा, अव में, और अव का आ, तो ओ किसमें चेंज हो जाएगा आपके, अव में, और अव है वो आ में बदल गया जाता है। जैसे नयन, उसका क्या हो जाएगा, नेम प्लस अन, यानी कि ए और अ ये दोनों मिलकर क्या बन गया, आई बन। इसी तरह से पवन, पवन के लिए क्या हुआ, ओ प्लस अन। अब ध्यान देना कि ये ओ है वो उसने अव में बदल जाएगा, तो ओ जो ओ की मात्रा है वो अव में चल जाएगा। अब इसी तरह से